ये है बॉटनिक गार्डन एडिलेड का। तो बॉटनिक गार्डन और गार्डन्स ऑलरेडी बहुत सारे ब्रिस्बेन में हैं, तो इसमें अभी तक कुछ ऐसा नया दिखा नहीं है। यह है एक रोज़ गार्डन जिसमें वैरायटी ऑफ रोजेस हैं। ये नंबरिंग भी इन्होंने की हुई है यहाँ पे, सो आई थिंक डिपेंड्स ऑन द वैरायटी। सो यहाँ पे इन्होंने फ्रेग्रेंस के हिसाब से भी स्टार डाले हुए। स्टार सिंबल इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेबल गिव्स एन आइडिया हाउ स्ट्रॉन्ग द फ्रेग्रेंस इज। ओके, सो इफ यू सी हियर, इसमें यहाँ पे स्टार भी रखे हुए हैं, 3 स्टार की रेटिंग है इस पर, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस होगी इतनी स्ट्रांग होगी। सो इसकी 1 है अपॉर्चुनिटी रोज़, तो इसकी कम है मतलब। तो कुल मिला के इन्होंने क्या किया, वह इन्होंने फूलों पे भी रेटिंग कर दी, तो आप देख सकते हैं कितना इन्होंने मैनेज किया हुआ है। एक तो इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मैन पावर तो कम है लेकिन पैसा काफ़ी है, तो ये उस पैसे को लगा लगा के पेड़ पौधों पे भी लेबल डाल दे रहे हैं। और इस पे जैसे देखा जाए इस पे भी 3 स्टार है। ये रोज़ तो नहीं लग रहा है, क्या है इसका नाम, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, ससीलिया। ओके, बट दैट्स डिफरेंट आई थिंक। इसका लेबल कहीं यहाँ होना चाहिए, बट दिख नहीं रहा है। बट मोस्टली इसमें रोजेज हैं और यहाँ पे कुछ डिफरेंट फ्लावर्स भी हैं। ये तो रोजेज नहीं, ऑफ कोर्स सनफ्लावर भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पे एक छोटी सी स्टैचू बनी हुई है, रोज हाथ में रखे हुए हैं, उसकी स्टोरी ये है। सो क्वीन एडिलेड, एंड देयर आर लॉट मोर रोजेज देयर। हम सोच रहे हैं कहीं ब्लैक रोज़ दिखे, बट अभी दिखा नहीं है, मोस्टली रेड येलोइस पिंक ये सब दिख रहे हैं। ये थोड़ा अलग सा लग रहा है, ट्रम्पीटर। एंड आई थिंक यहाँ पे जो ये ईयर लिखा हुआ है इन्होंने 1977, मे बी किसी ने फाइंड आउट या डिस्कवर किया होगा उस टाइम पे, वो यहाँ पे इन्होंने ईयर उसके हिसाब से मेंशन किया हुआ। सो ब्रिस्बेन के बॉटनिक गार्डन से ये डिफरेंट है थोड़ा इसमें, कि ये लोग इन्होंने पार्क जैसा नहीं बनाया हुआ है। ब्रिस्बेन वाला जो बॉटनिक गार्डन है दैट्स काइंड ऑफ अ पार्क जो क्यूरिटी के पास में भी है, बट यहाँ पे इन्होंने जनरली जंगल जैसा कुछ है और उस पर देखा जाए तो रास्ता बना दिया है और दूसरा एक जंगल में गेट लगा दिया, ऐसा समझ सकते हैं। एंड सी दीज फ्लावर्स, बीच ब्लैंकेट और गोल्ड मेडल भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है इसको फाइंड आउट करने के लिए किसी को गोल्ड मेडल दिया गया हो, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट ठीक है, अच्छा है। दीज आर वाइट रोजेस, आइसबर्ग नाम दिया है इसको, जर्मनी में आई थिंक इसको डिस्कवर किया गया 1958 में। सो लुक एट दिस, और ये भी सुंदर है यार। रोज़ तो मतलब रेड ही अच्छा लगता है वैसे।
दिस इज़ ब्यूटीफुल, दीज आर येलो वंस, और ये एन हार्कनेस यूके 1979 में डिस्कवर किया गया। डिस्कवर जो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी पढ़ के बताऊँगा क्या है, बट दैट इज़ माई गेस कि डिस्कवर की बात हो रही है। ये कुछ ब्लू फ्लावर्स हैं यहाँ पे, बट ये रोजेज नहीं है ऑफ कोर्स, ये कुछ और चीज़ है। देखो पूरे डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं कि फ्रेग्रेंट रोजेज हैं, तो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू स्मेल रोजेज इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन अ वार्म सनी डे। बट अभी यहाँ पे जो मौसम है आप देख सकते हो, जब से हम यहाँ पे आए हैं ऐसा ही मौसम है, और कल तो ज़बरदस्त बारिश दिखा रहा है। आज 8 दिसंबर है और कल बारिश दिखा रहा है काफ़ी। तो कुल मिला के बात यह है कि हम यहाँ पे धूप ज़्यादा देख नहीं पाए, तो जो वेदर लगना चाहिए या जो भी ब्यूटी आनी चाहिए उतनी आई नहीं है। और ये कुछ रोज़ फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, और ये इंडोर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इन्होंने पेड़ पौधे या रखे हुए हैं जो भी है, इंडोर कुछ है ये जगह एक, जो कि सितंबर से लेकर जनवरी तक ओपन होती है और सुबह 9 से 4 तक, तो अभी लगभग 4:15 हो गए तो बंद हो गया ये। और कुछ टिकट भी है, इसका प्राइस $8 के आसपास। ग्रास ब्लू, इसका क्या मतलब है, जो ऑस्ट्रेलिया 2015 लिखा हुआ है, मतलब किसी ने फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया इस ईयर में। दीज आर डिफरेंट ब्लू कलर रोजेस। तो ये है नेशनल रोज ट्रायल गार्डन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो भी रोजेज हैं उनको टेस्ट करता है, जो कॉमर्शियली अभी रिलीज भी नहीं हुए हैं। और ये एक वन ऑफ द बेस्ट रोज ट्रायल गार्डन है वर्ल्ड में। तो आपको यहाँ पे वो नई नई वैरायटी देखने को मिलती हैं जो मार्केट में अभी आई नहीं है या शायद से कभी आएंगी भी नहीं। तो एक तरीके से प्रमोट करने के लिए कौन से बेस्ट हो सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, और किस तरीके से उनको प्रमोट किया जा सकता है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे अप्रैल के महीने में यहाँ पे एक पीपल्स चॉइस करके इन्होंने देखो एक बोर्ड लगाया हुआ है, तो जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं और उसके बाद लोगों से वोटिंग कराते हैं कि आपके मन पसंदीदा कौन सा रोज़ है। तो जनरली अप्रैल के महीने में ये काम होता है। तो आप समझ सकते हैं इतने सारे रोजेज़ हैं यहाँ पे, और उससे फिर पीपल अपने लोग अपने वोट करते हैं, पीपल्स चॉइस, फिर एक किसी को अवार्ड मिलता है उनमें से। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये गार्डन। वैसे तो रोज़ गार्डन इंडिया में चंडीगढ़ में भी है, अगर आप लोग कोई गए होंगे वहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि वो शायद से रोज़ गार्डन जो है वो काफ़ी बड़ा है इससे। तो ये सिर्फ रोज़ गार्डन नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है रोज़ गार्डन का, बाकी बॉटनिक गार्डन है बड़ा सा। बट आई थिंक चंडीगढ़ वाला जो रोज़ गार्डन है वो काफ़ी बड़ा है, और मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा वैरायटी भी होंगी। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट्स और सब जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस तरीके का कुछ फोकस कर सकती हैं। आई एम नॉट श्योर वहाँ पर क्या क्या होता है उसमें, बट इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर भी की जा सकती हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये भी। वो देखो इतने सारे और भी, ये 3 स्टार के हैं, क्लेयर ऑस्टिन। In Japan, like Buddhist temple, there are lots of temples. They have written their names over here. बहुत सारे लोगों ने अपने नाम लिख के रखे हैं इधर बैम्बू ट्रीज पे। सी 2020 अप्रैल। कुछ घनघोर जंगल लग रहा है बैम्बू ट्री का, देखें एक बार थोड़ा आगे चल के, घनघोर भी नहीं है, छोटा सा ही है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट सब पे नाम वाम बहुत लिखे हुए हैं। लुक एट दिस, सो इट्स रिटन इन 98 भाई, लिखना तो नहीं है 98। सो देयर आर टू पीपल हु केम इन 98 एंड दे हैव रिटन देयर नेम हियर, और दिस इज 2008।
काफी लंबी उम्र है इनकी। ओ सी 1980 गाइस, सी ग्रेग एंड सारा 1980 दे आर ऑलरेडी डेड आई थिंक। सो मे बी दे केम इन देयर 20s, सो इट्स लाइक 40 इयर्स फ्रॉम, सो दे आर 60 और 70 समथिंग लाइक दैट। बैम्बू इज गोइंग टू डाई सून नाउ। एनीथिंग एल्स मे बी द सर्च दीज these kind of trees and you will find older one. Let's see, find something older. This must be a famous, no somebody is kidding. So this is 1961. It is that old. Yeah, it doesn't look like that old. And I can also write 1945. 45. बारिश के बाद मौसम थोड़ा खूबसूरत हो गया है और ये तुरंत ही बारिश होना चालू हो गई। बस अब सामने से ट्रैम पकड़ेंगे और जाएंगे अपने होटल रूम की तरफ और थोड़ा जो सिटी सेंटर है उसकी तरफ।